एम्ब्रॉयडरी मेंटेनेंस चैनल के जितने भी दोस्त हैं उनको मेरा दिल से अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, इंशाल्लाह होने भी चाहिए। ज़्यादा खींचातानी किए बगैर चलते हैं अपने वीडियो की टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये इस हेड का जो टूट गया है पिन बेयरिंग, इसको बोलते हैं पिन बेयरिंग, ये यहाँ पर लगता है इस जगह पर, ठीक है। तो अब मैं ये सारा दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से इसका पिन बेयरिंग चेंज होगा। ये ढाई नंबर की एलकी वाला ये नट खोलना है आपने, सामने देखें ये नट है। ढाई नंबर की एलकी का नट खोलने के बाद मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस ऑल कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचती रहे। तो लगभग नट खुल गया है इसका, अब देखते हैं इस साले को कि इसका क्या मसला है। ये नट खोल के रख दिया, अचानक ये इस तरह से, ये मैग्नेट उठाना है आपने इस तरह से कोई, या कोई भी मैग्नेट पड़ा हो आपके पास, ये पिन जो है इसके अंदर फंसी हुई होती है। पहले उसको हल्का सा बाहर निकाल दें इस तरह पेचकस के साथ, देखिए वो सामने नज़र आ रही है वाइट वाली। अब उसके बाद क्या करना है, ये मैग्नेट वहाँ पे लगाना है, वो अपने आप ही बाहर आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई, तो ये पिन बाहर आ गई इसकी। इस तरह से मैग्नेट के साथ निकालनी है आपने, मकनतीस बोल दो यार हमारी आसान सी ज़ुबान में। ये पिन बेयरिंग है नया, इसका पिन बेयरिंग लगाएंगे अभी हम, तो इस तरह से लगेगा दिखाता हूँ मैं आपको। अभी तरीका इसका वैसे ही है, पिन बेयरिंग को मैग्नेट पे चिपकाएं तो वापस उसी तरह से लगेगा ये, ठीक है। ये मेरे पीछे थोड़ा साउंड का पोल्यूशन है यार, इसलिए आता रहता है, ये साले रोड है इधर, क्या बोले इनको। तो ये वापस पिन बेयरिंग लगा दिया मैंने इसी मैग्नेट की मदद से वहाँ पे, क्योंकि उंगली नहीं जाती ना, देखो कितनी हल्की जगह है। तो ये वापस नट लगाना है आपने ढाई नंबर की एलकी का जो खोला है आपने, ठीक है। ये भूलना जाना, ये फिर साला टूट जाएगा, और ये फिर टूट गया तो फिर भाई ये सारा झंझट, फिर हेड खोलना पड़ेगा फला फला पता नहीं क्या क्या है यार। वापसी नट टाइट कर रहा हूँ मैं इसका, देखते रहें आप, देखें ये नट टाइट हो रहा है। अच्छा जब बेयरिंग लगा लें तो इसको अंदर की तरफ दबा के लगाना है, ठीक है। ये SWM का बेयरिंग है, इतनी आसानी से लगते नहीं है, मेरी तो खैर उंगली पतली है इस वजह से लग जाता है। पता नहीं आपके हाथ कैसे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैग्नेट का इस्तेमाल ज़रूर किया करो, ये इस तरह से ये आसानी से लग जाता है, मैग्नेट होता है ना आपके पास। तो ये थोड़ा चलते हुए दिखाता हूँ मैं आपको, इसका काम हो गया अभी पूरा फाइनल, देख लें ये किस तरह से लगा है। अप डाउन करके देखता हूँ, ये अप डाउन भी अच्छे से हो रहा है। अच्छा बेयरिंग जो टूटे ना, तो आपने ये ध्यान रखना है इस तरह से एक दो बार अप डाउन करके देखना है, फिर ये कैम है यहाँ पे भी देख लेना है कि टकरारा ना हो कहीं पर, ठीक है। ये इस जगह पे इसकी ये कैम के अंदर यहाँ पे आप उंगली मार के चेक कर सकते हैं जो बेयरिंग टूटा है वो अंदर फंसा हुआ ना हो, वो भी निकाल लें अगर फंसा हुआ हो तो, सही है। तो यही तरीका है, मैं आप लोगों को समझाता रहता हूँ, पता नहीं आपको समझ आती भी है या नहीं आती, ये आप पर है। मैं तो अच्छे से वीडियो बना के अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर, आगे आपकी मर्ज़ी है यार, वीडियो को प्यार दो या मार दो, ये आप लोगों की मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं बोल सकता। आप चेक करो ज़रा चलते हुए, फिर क्वालिटी चेक करो माशाल्लाह से इसकी, कितनी बेहतरीन क्वालिटी आ रही है यार। वीडियो अच्छी लगे या ना लगे मुझे बता दिया करो यार प्लीज़। तो आज का टॉपिक यही था, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।